हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा इंस्टेंट मैंगो फालूदा। बारिश शुरू हो चुकी है लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो ऐसे में हमें कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो हम ये इंस्टेंट फालूदा बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फालूदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे विकफील कंपनी का फालूदा मिक्स का पैकेट लिया है। ये जो पैकेट है वो आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में या फिर सुपरमार्केट में मिल जाएगा। आज मैं बनाऊंगी मैंगो फ्लेवर का फालूदा। इससे पहले भी मैंने सेम कंपनी का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फालूदा बनाया है, उसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसका वेट है करीब 200 ग्राम और पीछे इसकी प्राइस लिखी हुई है। ये 49 रुपीज़ का पैकेट है और इसमें इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि कैसे हमें ये फालूदा बनाना है। फालूदा के पैकेट को ओपन कर देंगे। ये देखिए, इसमें मैंगो कलर का ही प्रीमिक्स है और ये जो पैकेट है इसमें से करीब 6 से 8 ग्लास जितना फालूदा बना सकते हैं, लेकिन आज मुझे इसमें से आधा पैकेट ही यूज़ करना है, इसलिए आधा प्रीमिक्स मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और ये जो आधा पैकेट बचा हुआ है इसे मैं पैक करके रख दूंगी। दोबारा जब भी फालूदा बनाना हो तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, फालूदा मिक्स में सेवैयाँ हैं और आपको जो ब्लैक सीड्स दिख रहे हैं वो सब्जा सीड्स हैं, रेजिन्स भी डली हुई है और इसके अलावा इसमें ऑलरेडी शुगर ऐड है, तो हमें इसमें शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। फालूदा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे आधा लीटर यानी 500 ml फुल फैट मिल्क। अगर आप पूरा पैकेट फालूदा बना रहे हैं तो आपको 1 लीटर दूध और 200 ml पानी लेना होगा। यहाँ पे मैं 100 ml पानी इसमें डाल रही हूँ। दूध को हम एक उबाल आने देंगे और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, अभी हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे थोड़ा सा चला लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे हमने जो बाउल में फालूदा मिक्स निकाला था उसे इसमें डाल देंगे और फालूदा मिक्स को दूध के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब इस दूध को हमें करीब 10 से 12 मिनट के लिए उबालना है। इसमें जो सेवैयाँ हैं वो अभी कच्ची है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप इसे हाथ में लेंगे तो ये आपको हार्ड लगेगी। जब तक ये सेवैयाँ सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। 10 मिनट हो चुके हैं, सेवैयाँ अच्छे से कुक हो चुकी है, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, इसे थोड़ा आराम से करेंगे क्योंकि ये काफ़ी गर्म है, तो सेवई को इस तरह से हाथ में लेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट लगेगी और आसानी से टूट जाएगी और इसमें जो सीड्स हैं वो भी अच्छे से फूल चुके हैं, दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो अभी हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी ये जो फालूदा का मिश्रण है ये काफ़ी गर्म है, तो इसे हम पहले रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर इसको हम फ्रीज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। मिश्रण थोड़ा ठंडा हो चुका है, अभी इसे और ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकालेंगे और इसे ढककर करीब 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच सब्जा सीड्स लिए हैं। ये फालूदा प्रीमिक्स में ऑलरेडी थोड़ी क्वांटिटी में रहते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा डालना चाहें तो इस तरह से भिगो के इसे डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये फूलकर डबल हो जाएंगे। 3-4 घंटे हो चुके हैं, मिश्रण को मैंने फ्रीज में से निकाल दिया है। ये काफ़ी ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो गया है, तो अभी हम बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। हमने जो सब्जा सीड्स को पानी में भिगो के रखा था वो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल गए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो पल्प। मैंगो पल्प बनाने के लिए 1 आम को काट कर उसे मिक्सी में क्रश कर देंगे। फिर हम लेंगे रोज़ सिरप। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ मैंगो क्यूब्स। आम को छिलकर उसके छोटे छोटे पीस कर देंगे। फिर हम लेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पे पिस्ता और बादाम लिए हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल ही ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो बिना कुछ डाले फालूदा को ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फालूदा को ज़्यादा टेम्पटिंग और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें ज़रूर ऐड करें, या फिर इसके अलावा आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम फालूदा को सर्व करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा कांच का ग्लास लिया है, उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रोज़ सिरप। फिर इसमें हम डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच मैंगो पल्प। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़े से सब्जा सीड्स। फिर थोड़े से मैंगो क्यूब्स डाल देंगे और उसके बाद हमने जो फालूदा का मिश्रण बनाया है वो करीब 2 से 3 बड़े चम्मच डाल देंगे।
और अभी दूसरा लेयर बनाने के लिए फिर से वही सब चीज़ें रिपीट करेंगे। पहले रोज़ सिरप डालेंगे और फिर से हम इसमें 1 से 2 चम्मच मैंगो पल्प डाल देंगे, थोड़े से सब्जा सीड्स डालेंगे, थोड़े से मैंगो के टुकड़े डाल देंगे और फिर से हम डालेंगे हमारा फालूदा मिश्रण। करीब 3 से 4 बड़े चम्मच मिश्रण डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम। आप मैंगो आइसक्रीम भी ले सकते हैं। आइसक्रीम के ऊपर गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा रोज़ सिरप, थोड़े से सब्जा सीड्स और इसके अलावा आप मैंगो क्यूब्स या फिर मैंगो पल्प भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा डिलीशियस मैंगो फालूदा बनकर तैयार है। ये दिखने में जितना सुंदर है खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। तो आप भी ये इंस्टेंट मैंगो फालूदा अपने घर पे जरूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।